दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है एक बार फिर PSL की न्यूज़ में। दोस्तों मैंने पिछली वीडियो बनाई थी कि मैं PSL की कोई न्यूज़ नहीं लाऊंगा, मगर आप लोगों के कमेंट्स इतने ज़्यादा आए कि आप लोगों ने इतना रिक्वेस्ट किया और आप लोगों ने मुझे इतना मोटिवेट किया कि सर आप की न्यूज़ हम देखते हैं, आपके चैनल को हम देखते हैं, आप प्लीज़ न्यूज़ देनी बंद ना करें। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि मैं फिर वही कह रहा हूं कि मैं यहां पर लगातार न्यूज़ आप लोगों को नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा फोकस अब केवल उस न्यूज़ पर है कि यदि आपको उस न्यूज़ की ज़रूरत है मुझे लगता है तो आप लोगों को वो न्यूज़ पता होनी चाहिए। अब PSL की कम न्यूज़ मेरे उस पर आया करेगी, मैं बिल्कुल बंद नहीं कर रहा हूँ केवल आप लोगों के रिक्वेस्ट पर। और मेरा फोकस है जो मेरा मैंने बताया था कि आपके बच्चों को, आपके परिवार को कुछ YouTube के माध्यम से शिक्षा मिले, जिसका पहला टेलीकास्ट जो है, इंटरव्यूज जो है, 1 अक्टूबर को होगा, जो मेरे इस टेप न्यूज़ चैनल पर होगा। आप यदि आप अपने बच्चे को गाइड नहीं कर पाते या आपके बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं और आप या आपके बच्चे नहीं समझ पाते कि उन्हें क्या करना चाहिए और कैसे किस पोस्ट पर जाया जाता है, तो उन्हीं लोगों द्वारा जो जिस पोस्ट पर हैं उन्हीं लोगों के हम इंटरव्यूज लेंगे और उनसे मार्गदर्शन लेंगे कि किस तरह से हम आगे बढ़े। तो दोस्तों आज ये वीडियो आपके लिए स्पेशल है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको PSL की एक ज़रूरी जानकारी देने वाला हूँ। जानकारी देने से पहले आप लोगों से अनुरोध है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वक्त में आपको अच्छी अच्छी वीडियो इस पे मिला करेगी। बराबर साइड में आप देख रहे होंगे ये सारे आपके कमेंट्स चल रहे हैं जो उस वीडियो पर आए थे। इस वीडियो पर आने के बाद इन कमेंट्स को देख करके मैं बहुत ही भाव विभोर हुआ था, मगर कोशिश करता रहूँगा कि आप लोगों तक ज़रूरी सूचना मैं पहुंचाऊं। ज़्यादा तो नहीं कह सकते, मगर जितना हो सकेगा पॉसिबल आप लोगों की ज़रूरत की जो चीज़ें होगी मैं ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करूंगा, मैं बिल्कुल बंद नहीं कर रहा हूं। तो दोस्तों आइए मैं आपको इसमें एक छोटी सी वीडियो भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से PSL निवेशकों के साथ PSL एजेंट को भी धोखाधड़ी का सामना करना पड़ रहा है। PSL मैनेजमेंट की PSL मैनेजमेंट किस तरीके से अपने एजेंटों के साथ ही, उनके परिवार के साथ ही खिलवाड़ कर रहा है, जबकि एजेंट को इस बारे में पता भी नहीं है। तो आइए मैं ये वीडियो आपको दिखा देता हूँ, शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो धन्यवाद आपका कि आपने मुझे इतना प्यार दिया और आप लोगों ने कहा कि आप न्यूज़ बनाने बंद मत कीजिए। तो मैं आप सबसे पहले आपको एक जानकारी दे देता हूँ, जो SEBI का नोटिस आया है कि SEBI ने एक जानकारी दी है कि कर्नाटक और तमिलनाडु में कुछ वहाँ पर भूमि को लेकर के, ज़मीन को लेकर के, खरीद फरोख्त को लेकर के काम चल रहा है। SEBI ने क्लियर कर दिया है कि वहाँ पर SEBI ने कोई भी इस तरह का नोटिस नहीं निकाला है, कोई उनके चक्कर में ना फंसे, वो एक नकली नोटिस है। आइए उस नोटिस में क्या लिखा है मैं आपको पढ़ करके बता देता हूँ, और उसके बाद एक छोटी सी वीडियो है जो मैं आपको सुनाना चाहूँगा कि ये एजेंट भी PSL के थे और उनके साथ क्या हो रहा है। विकास त्रिपाठी जी द्वारा उनको पता चला था और विकास त्रिपाठी जी ने ही उनसे जानकारी ली है। तो आइए पहले मैं बता देता हूं जो SEBI का नया नोटिस आया है वो नोटिस देख लीजिए, उसके बाद उस वीडियो को देख लीजिएगा। दोस्तों ये एक सार्वजनिक सूचना है जो SEBI की तरफ से आई है, मैं आपको बता रहा हूं, ये बताना बहुत ज़रूरी था, इस वजह से मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। आम जनता को दी जाती है और इसके साथ ही सूचित किया जाता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि दिनांक 2 फरवरी 2016 को अधिकार प्राप्त न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त RM लोडा समिति ने PSL लिमिटेड के जब्त परिसंपत्तियों के निपटान के लिए और PACL लिमिटेड के निवेशकों को भुगतान, PACL ने अपनी किसी भी संपत्ति की बिक्री और खरीद के लिए कोई प्राधिकार पत्र जारी नहीं किया है, जिसमें कर्नाटक और तमिलनाडु में स्थित भूमि और प्राधिकरण पत्र शामिल हैं, यदि प्रश्नल नकली है और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ है। इसलिए SEBI को ऐसे नकली प्राधिकरणों पर भरोसा करते हुए PSL की संपत्तियों से निपटने के लिए खुद को नियंत्रित करने की सलाह दी जाती है। PSL लिमिटेड के निदेशक मंडल के लिए SDL विपिन शुक्ला, प्राधिकृत प्रतिनिधि, दिनांक 19/9/2020 की ये खबर है दोस्तों, और आपने पेपर में भी इसकी कटिंग देखी होगी और अन्य चैनल पर भी ये कटिंग देखी होगी।
तो ये जानकारी आप लोगों तक पहुंचानी बहुत ज़रूरी थी। और मैं आपको दिखाने वाला हूं उस एजेंट की एक छोटी सी वीडियो जिसके परिवार को, जिस एजेंट को आज तक ये नहीं पता कि पीएसएल ने उसके खिलाफ़ क्या धोखाधड़ी की, उसके परिवार को कैसे यूज किया, जबकि वह बंदा खुद कह रहा है कि मैं पीएसएल के निवेशकों के साथ हूँ, जो दुखी निवेशक है, जो एजेंट है, जो हम सभी एक पीएसएल के उन निवेशकों के साथ खड़े हुए हैं जिनका पैसा नहीं मिला है और हम लोगों को कुछ भी नहीं पता प्रॉपर्टी के बारे में। किस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, आइए देख लेते हैं इस वीडियो को। मैं डॉक्टर मजीद खान, मेरे पीएसएल में काम करता था, समय मुझे जानकारी में आया है कि पंजाब में आपके नाम से ज़मीन वगैरह, आपके परिवार के नाम से ज़मीन है। किसके माध्यम से आपको जानकारी मिली? विकास त्रिपाठी जी के द्वारा जानकारी हुई कि ज़मीन पंजाब में आपके नाम से है, आपके परिवार के नाम से है। वो हमें तो इस बारे में कोई जानकारी है नहीं, ना किसी तरह के कोई पेपर हमने सबमिट किए, ना कोई जानकारी है कि कहाँ पे कंपनी ने क्या, किस तरह से ज़मीन लिया, क्या किया, ऐसी कोई जानकारी हमें नहीं है। तो इसको जो है, अगर कुछ इस तरह का मामला आता है तो उसको उन लोगों पे कार्यवाही की जाए जो इस तरह का गलत जो है नाम से इस तरह से अगर किया है तो उनके खिलाफ़ कार्यवाही होनी चाहिए। तो इस तरह से हम इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट हमारा नहीं है कि पंजाब में या कहीं पर भी कोई ज़मीन हमारे नाम से कंपनी अगर ली है तो वो बगैर बताए हुए किया है, और न ही मैंने कोई पेपर सबमिट किए, न किसी तरह का कोई हमने उस पर कोई कार्यवाही, न जानकारी, कोई भी चीज़ हमारा उससे लेना देना नहीं है। जिन लोगों ने किया है, अगर 420 से आपके नाम से ज़मीन की गई या आपके परिवार के नाम, उन पर कार्रवाई करने के लिए आप तैयार हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इस तरह का हमारे परिवार के नाम से या कुछ ज़मीन की गई है या कुछ भी किया गया है बगैर नॉलेज में, तो उन पर कार्यवाही होनी चाहिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप हम सब पीड़ितों के साथ में हैं। हम पूरी तरह से आप लोगों के साथ हैं, अर्ल्स में हम भी निवेशक भी हैं और साथ ही साथ काम भी करते थे, हम सभी पूरी तरह से हम साथ में हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी वीडियो थी जो आपको जानकारी देनी बहुत ज़रूरी थी। मेरा उद्देश्य यह है कि आप लोग को भी ध्यान में रखना चाहिए कि कहीं आपके नाम पे भी तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए आपको चेक करना चाहिए www.pslauction.com पर जा कर के। यहाँ पर PSL की सभी प्रॉपर्टी की जानकारी आपको मिल जाएगी। और PSL Auction AUCTION इस वेबसाइट पर जाइए और आप अपने शहर के या ज़िले के जहाँ पर भी है एक बार सर्च करके देखिए, और वहाँ पर देखिए कहीं आपके नाम भी तो कोई प्रॉपर्टी ऐसी शो तो नहीं हो रही है। यदि ऐसा हो रहा है तो पीएसएल के ख़िलाफ़ आप आवाज़ उठाइए, और वरना ऐसा भी हो सकता है कि आपको आगे प्रॉब्लम भी हो सकती है, इसलिए आप देख लीजिए www.pslauction.com पर जाकर, क्योंकि यहाँ पर सभी प्रॉपर्टी का ब्यौरा दिया रहता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, थैंक यू वेरी मच। अगर कोई अच्छी जानकारी होगी तो मैं ज़रूर लेकर के आऊँगा, और 1 अक्टूबर को हमारी वीडियो देखना ना भूलिएगा। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।